आदाब, नमस्कार, केम छो, हेलो, हाय, कसकाय, कैमोना छो एंड वेलकम बैक टू आवर गेमिंग चैनल DMD गेमिंग। और मैं ध्रुव दत्ता आप सभी का वापस से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे गाइस। सो आज का टॉपिक क्या है गाइस? आज का टॉपिक क्या है, अगर आपने देखा होगा ना गाइस, थंबनेल देखा होगा ना, आज का टॉपिक है आई एक्सपीरियंस्ड माय फनीएस्ट मोमेंट इन फ्री फायर। जी हाँ गाइस, ये जो टॉपिक है ना गाइस, ये जो वीडियो है, ये वीडियो मेरे जो सीरीज़ है गाइस बैक टू फ्री फायर, उसमें था ही नहीं गाइस, उसमें था ही नहीं। मैंने खुद ने लाइव कल शूटिंग किए गाइस आपके सामने गाइस। सो जी हाँ, तो आज हम मेन टॉपिक पर आते हैं गाइस सबसे पहले, और टॉपिक में गाइस आता है ये गाइस। मैं आपको बताता हूँ कि कल रात को गाइस हुआ क्या हमारे साथ। मैं आपको ये बताता हूँ, मैं यानी कि ध्रुव दत्ता सोच रहा था कि फ्री फायर में एक टीम बनाई जाए स्क्वाड खेलने के लिए, और स्क्वाड खेल के बरमूडा में हम उतरेंगे, उससे एक मूवी बनाई जाए, हमने ऐसा सोचा गाइस। सो अब मुझे एक टीम चाहिए थी जिसमें मैं खुद था, ध्रुव दत्ता जो मूवी का डायरेक्टर है गाइस। फिर मैंने एक आदमी को बुलाया जिसका नाम है फिनिशर गाइस, पीयूष बदलानी है इनका नाम, लोग इनको फिनिशर के नाम से भी बुला जाने जाते हैं गाइस। इन्हें बुलाया गया जो बने मेरे मूवी के प्रोड्यूसर। मैंने तीसरा आदमी बुलाया जिसका नाम है ईशित राका, जो इस मूवी के साइड एक्टर ऐसे बोलते हैं ना गाइस, सपोर्टिंग एक्टर वो बने। और चौथा आदमी एक अननोन आदमी आया हमारे साथ, खूबी, जिनका नाम था गाइस, खूबी नाम था। सो गाइस अब मेरे पास टीम बन गई गाइस, खूबी हमारे मेन एक्टर बन गए गाइस मूवी के मेन हीरो। विलन गाइस मूवी में तीन विलन थे, लेकिन गाइस जो हमने प्लान किया था, जो डायरेक्ट किया था गाइस, उसके हिसाब से विलन तो कोई और ही आ जाता है गाइस। तो अब हुआ क्या है गाइस, हीरोइन हमने नहीं रखी गाइस, अगले मूवी में रखेंगे गाइस, सॉरी हीरोइन नहीं रखी। तो अब हम क्या करेंगे गाइस अगले तो अब जैसे ही मूवी चालू होती है गाइस, हम उतरते हैं प्लेन से पोची नुक पे गाइस, सब लोग लूट करते हैं, इधर उधर की लूट करते हैं गाइस पोची नुक की। और फिर आता है गाइस, जैसे ही हम पोची नुक की लूट मारते हैं गाइस, मैं और पीयूष यानी कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लूट करते रहते, और तभी हमारे सामने चार लोग आते हैं गाइस, स्क्वाड आती है गाइस, गेम हो जाता है डुओ वर्सेस स्क्वाड। और जी हाँ गाइस, उसी टाइम पे वो चार लोग हमें उड़ा देते हैं गाइस। और इधर ही मूवी के दो लोग, दो मेन आदमी, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मर जाते हैं गाइस। अब होता क्या है गाइस, बीच में से आ जाता है हमारा इंटरवल गाइस। तो अब क्या होता है गाइस, इंटरवल के बाद मैं और पीयूष यानी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हमारे हीरो और साइड हीरो यानी ईशित और खूबी को देखते हैं गाइस, स्पेक्टेट करते। अब होता क्या है, अब गेम में बचे हैं गाइस यानी मूवी में अब बचे हैं हमारे दो टीममेट्स और 10 लोग गाइस, यानी कि 12 लोग अलाइव रहते हैं गाइस। हमारे दो लोग क्या करते हैं गाइस, टीममेट मार्स इलेक्ट्रिक के एक छोटे घर पे एकदम फॉर्म में जाते हैं गाइस, एकदम फॉर्म में, और कैंपिंग करना चालू कर देते हैं गाइस। इसी बीच हमारा जो खूबी रहता है ना गाइस, वो तो मुझे आज तक समझा नहीं आदमी था या औरत थी गाइस, एनीवेज हम जेंडर पे जाएंगे नहीं। खूबी आता है गाइस फुल फॉर्म में, हाथ में AN-94 लेता है, और एकदम फॉर्म में हमारे जो इसी तरह का साइड एक्टर है गाइस, उस पर गोलियां चलाने को चालू कर देता है गाइस इनसेन फुल फॉर्म में। जैसे ही वो गोली चलाता है गाइस, हम बोलते हैं भाई क्या मजाक चालू है यार। वो जैसे ही गोली चलाता है गाइस, हमारे जो ईशित राका साहब है गाइस, वो तो हमारे आयन मैन, उनको एक गोली लगती नहीं है गाइस, एक गोली नहीं लगती।
और फिर क्या होता है गाइस, हमारे जो मेन एक्टर है ना गाइस खूबी, वो सोचते हैं भाई किल केडी रेट, जो हमारा किल डेथ रेट रहते हैं उसको बढ़ाने के लिए भाई मैं अपने टीम मेट को ही उड़ा देता हूँ गाइस, मेरे से किल मिल जाएगा। लेकिन हमारे ईशित साहब तो गाइस आयन मैन है गाइस, टोनी स्टार्क, एक गोली नहीं लगती। सो एनीवेज अब क्या होता है गाइस, क्लाइमैक्स गाइस, क्लाइमैक्स तो मूवी का भी चालू होता है गाइस। जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, रिक्वेस्ट मत भेजा कर, क्लाइमैक्स चालू होता है गाइस मूवी का। जैसे ही क्लाइमैक्स चालू होता है गाइस, हमारे जो दो एक्टर है, हमारे साइड एक्टर इसी तरह का और हमारे मेन एक्टर खूबी, दोनों गाइस, दोनों के पास एक एक स्नाइपर रहती है गाइस, मार्स इलेक्ट्रिक के आसपास एकदम टॉप पर, हाईएस्ट पीक पर रहते हैं गाइस, मार्स इलेक्ट्रिक के हाईएस्ट पॉइंट पर। बोलते हैं कि बस अभी हम स्नाइपिंग करेंगे। इसी बीच बचते कितने लोग हैं गाइस, इसी बीच बचते हैं 5 लोग, यानी कि हमारे 2 टीममेट और हमारे 3 विलेन गाइस, जिसको मैं और पीयूष अज्यूम करते हैं, यानी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अज्यूम करते हैं, ये हमारे 3 विलेन होंगे गाइस। अब बात कुछ ऐसे हो जाती है, जैसे ही हमारे 2 प्लेयर हाईएस्ट पॉइंट पर आ जाते हैं गाइस, हमारा जो साइड एक्टर यानी कि जो सपोर्टिंग एक्टर रहता है इसी तरह का साहब, क्या करते हैं, हवे में फ्लेयर गन मारते हैं और एयर ड्रॉप मंगाते। मैं डायरेक्टर खुद प्रोड्यूसर को पूछता हूँ, बॉस ये क्या चल रहा है भाई, क्या मजा की है। इसी तो बोलते हैं भाई मेरे पास तो गन है, मेरे पास गन नहीं है गाइस, मेरे पास गन नहीं है, एयर ड्रॉप मंगाता हूँ। तो जी हाँ गाइस, हमारे इसी तरह का साहब एयर ड्रॉप मंगाते हैं गाइस एकदम फॉर्म में। जैसे ही एयर ड्रॉप ज़मीन पे गिरता है गाइस, वो हाईएस्ट पॉइंट पे गिरता है एयर ड्रॉप, हमारे जो मेन हीरो रहते हैं ना गाइस खूबी, एकदम फॉर्म में एयर ड्रॉप के पास भागते हैं एकदम फॉर्म में, और सीधा एक किक शाओलिन, शाओलिन के जैसे एक किक मारते हैं गाइस, जैकी चैन बन जाते हैं वो, एक किक मारते हैं और हमारा जो एयर ड्रॉप रहता है, हमारा एयर ड्रॉप सीधे सीधे गिर जाता है नीचे। गाइस इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा गाइस, एक स्मॉल वीडियो बने हैं गाइस, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया गाइस जब ये लाइव सीन हुआ, मैं आपको एक छोटी वीडियो दिखा दूंगा गाइस, आप उसमें देख लेना गाइस कि ये क्या होता है। अब क्या होता है गाइस, जैसे ही हमारे इसी तरह का साहब आते एयर ड्रॉप मंगाते, पीछे से हमारे खूबी साहब जो हमारे मेन हीरो रहते मूवी के, शाओलिन के जैसे किक मार के एयर ड्रॉप सीधा नीचे गिरा देते हैं गाइस, वो नीचे गिरते जाता है। हमारे जो इसी तरह का साइड एक्टर है गाइस, अब वो सोचते अरे मैंने इतना अच्छा एयर ड्रॉप मंगाया, मेरा एयर ड्रॉप बचाओ, एयर ड्रॉप को। इसी तरह का साहब हमारे एयर ड्रॉप को बचाने को जाते। फिर बात आती है गाइस ट्विस्ट की, ट्विस्ट होता है कि जैसे ही हमारे इसी तरह का साहब एयर ड्रॉप को बचाने को जाते, हमारा एयर ड्रॉप रोड रोलर के जैसा एक्टिंग करता है और हमारे इसी साहब रोड के जैसा एक्टिंग करते। अब जो हमारा एयर ड्रॉप रहता है इसी उनके सामने रहते हैं, एयर ड्रॉप सीधे सीधे इसी साहब को उनके पास जाता है, उनके ऊपर गिरता है और इशित साहब एलिमिनेट, इशित साहब एलिमिनेटेड गाइस गेम से। यानी अब जो हम एज्यूम कर रहे थे, मैं और पीयूष यानी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो एज्यूम कर रहे थे 3 विलन, वो 3 विलन तो आए ही नहीं गाइस,
हमारा जो एयर ड्रॉप था वो खुद विलन बन गया है इस मूवी का। सो एनीवेज, अब बात होती ऐसी है कि जैसे इशित साहब एलिमिनेट होते हैं गाइस, हम मैं और पीयूष डायरेक्टर प्रोड्यूसर इतना हंसते हैं ना गाइस, इतना हंसते हैं भाई कि क्या बोलने का गाइस, क्या बोलने का गाइस। सच में फिर गेम अभी भी ऑन रहता है गाइस। बचते हैं चार लोग, हमारे टीम का मेन हीरो और तीन एनिमीज, यानी कि हमारे तीन विलन जिनको हम अज्यूम कर रहे थे। अब बात ऐसी हो जाती है गाइस, जैसे ही हमारा टीममेट, हमारा मेन हीरो खूबी देखता है कि यार ये तो गलत बात हो गई, मेरा टीममेट मर गया, तो वो जाता है एकदम फॉर्म में एयर ड्रॉप लूट लेता है गाइस। और जैसे ही वो एयर ड्रॉप लूटता है गाइस, हम बोलते हैं ना शादी में, शादी सब होती है धूमधाम से, शादी ख़त्म होने के बाद म्यूनसिपैलिटी के लोग आके साफ़ कर देते हैं गाइस, कचरा वचरा जो होता है शादी में। गाइस वही बात हुई, म्यूनसिपैलिटी के लोग यानी कि हमारे तीन एनिमीज़ जो हमारे तीन विलन है मूवी मूवी के सामने आ जाते हैं गाइस शादी में, यानी कि हमारे खूबी के पास एकदम फॉर्म में जाते हैं। और सीधा सीधा गाइस, जी हाँ गाइस, पूरी शादी को साफ कर देते हैं गाइस, यानी कि हमारे खूबी साहब को एलिमिनेट कर देते हैं गाइस, एलिमिनेट पट्टे से साफ। और जी हाँ गाइस, इसी के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है गाइस, और हमारी जो टीम होती है ना गाइस दूसरे नंबर पे मर जाती है गाइस, और सामने वाले जो तीन विलन है गाइस उनको बुया मिल जाता है। तो अब होता क्या है गाइस, ये तो थी मेरी स्टोरी गाइस। आप बताइए गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी गाइस बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा गाइस, अगर मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी गाइस, मूवी अच्छी लगी, इमेजिनरी मूवी अच्छी लगी गाइस, तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही गाइस। और जी हाँ गाइस, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा कि आपको स्टोरी में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा गाइस, कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा ये कमेंट कीजिएगा। सो जी हाँ गाइस, सब तक के लिए टिल देन गाइस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इंजॉय कीजिए गाइस, घर के अंदर ही बैठिए, कोरोना बाहर चल रहा है गाइस, कोरोना चल रहा है तो घर के अंदर ही बैठिएगा गाइस, बाहर मत निकलिएगा। और जी हाँ गाइस, तब तक के लिए गाइस, सी यू टिल देन इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बैक टू फ्री फायर की तीसरी वीडियो में मैं आपको मिलूंगा गाइस। सो जी हाँ गाइस, तब तक के लिए टिल देन स्वस्थ रहिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और जी हाँ गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।